बोले कि नहीं चढ़ाएंगे, दे दीजिए ब्लड वापस। तो बोला ब्लड ले जाएगा तो खराब हो जाएगा ब्लड। तो फिर बोले खराब हो जो भी हो, हम लोग पैसा लगा दे दीजिए रिटर्न, हम लोग लेके जाएंगे बाहर से, हम चढ़ा लेंगे, कुछ नहीं बोल रहे, जो भी है। मॉर्निंग आप सबको प्यार भरा मेरी तरफ से। तो कैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने ड्रेस तो चेंज कर लिया है, फ्रेश भी हो गई थी, और दवाई खाने के बाद आँख देख कैसा दिख रहा है, क्योंकि दवाई खाने के बाद पता नहीं नींद सा आता है, पता नहीं क्यों सर टू मतलब चक्कर मारता है जिसमें। और अभी बोला कि छुट्टी देगा वार्ड में, मतलब मैम आई थी तो बोली कि छुट्टी देगी, पर बोले मैम ब्लड अभी तो चढ़ा दीजिए, मेरा ब्लड एक मतलब जमा है एक बोतल तो चढ़ा दीजिए। तो कल बोला कि मेरे को अभी दिन में नहीं चढ़ाएगा, रात में चढ़ाएगा। रात में हम पूरा वेट किए, बोला कि रात में नहीं चढ़ाएगा, रात में तुमको ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, बोला कि ठंडा लग जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है दिन में आप चढ़ा दीजिए, दिन में इन्फेक्शन होता है बोला। हम बोले कि ठीक है रात में चढ़ा दीजिएगा मेरे को आज, करते मेरा पूरा 5-6 दिन हो गया कुछ नहीं चढ़ाया। और बोला कि वार्ड मतलब वार्डन मैम क्या बोलते हैं, हाँ तो जिस वार्ड में हम हैं उसका मैम मतलब डॉक्टर नहीं है उसके, इसीलिए बोला कि रुक जाए तुम, मैम आए कि तब होगा। तो मेरा आग सब कैसे हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा था। दीदी आई थी तो तानिया को मेरे पास छोड़ के गई है, और इडली लाई थी तानिया और हम मिलके खाए, और अभी दोबारा नाश्ता आया है तो वो छोड़ के आए हैं, हम दवाई खा लिए थे, दवाई लिख के दिया था वो खा लिए थे हम। तो कैसे लग रहा है सर घूम रहा है, चलो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए क्या होता है। अभी दीदी भी आ चुकी है और दीदी आने के बाद ही मेरे को ब्लड चढ़ाया है, इतना झगड़ा किए फ्रेंड जाके नर्स लोगों से, एकदम झगड़ा उगड़ा करके हम लोग ब्लड दे दिए। हम बोले कि नहीं चढ़ाएंगे, दे दीजिए ब्लड वापस। तो बोला ब्लड ले जाएगा तो खराब हो जाएगा ब्लड। तो फिर बोले खराब हो जो भी हो, हम लोग पैसा लगा दे दीजिए रिटर्न, हम लोग लेके जाएंगे बाहर से, हम चढ़ा लेंगे, तो कुछ नहीं बोल रहे, जो भी है। आके फिर चढ़ा दिया, अभी चढ़ा दिया दीदी को, बोले सुई दे हमारे को, मतलब सुई लगा रहा था दीदी हाथ पकड़ो, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे बोलते, हम नहीं आएंगे। रजत दीदी पूरा सामने में खड़ी थी, हाथ दो करो पकड़ लिया, क्या मतलब ढूंढी से इधर करो पता ही नहीं चलेगा बोला, इसलिए हम अभी इधर किए। खुद मेरे को सुई पड़ता था, हम नहीं देखते हैं, घुमा लेते हैं। ठंडा ठंडा लग रहा है अभी, ठंडा ठंडा खून चल रहा है, उजाला भी एकदम खिड़की से मुँह भी पड़ रहा है। तानिया भी आई है, ओए भगवान, तो कब खत्म होगा पता नहीं, खून एकदम स्लो स्लो बह रहा है, दे स्लो स्लो चढ़ रहा है, तो कब खत्म होगा नहीं पता, हमको तो नींद आ रहा है, पता नहीं हल्का हल्का नींद से लग रहा है। तो मिलते हैं आपको आगे, और जैसे कोपर ना तब दर्द नहीं दिया, जब बैंडेज लगाया ना तो थोड़ा हल्का दर्द दिया, और अभी खून चढ़ रहा है तो पता चला कि हाँ बैंडेज लगा हुआ है। तो देखिए अभी मुझे ब्लड चढ़ रहा है, ये रहा मेरा ब्लड, और इधर है हम। तो हम बना रहे थे रील्स, तो ज़्यादा दर्द नहीं दे रहा था हाथ में, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द दे रहा था। तो चलो फ्रेंड्स आपको हम बना के रील्स, मिलते हैं ब्लड खत्म होने के बाद, ठीक है। ब्लड खत्म हो गया, देखिए ब्लड मतलब चढ़ के, और अभी हम बैठे हैं, और पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना पंखा वंखा सब चल रहा है फिर भी गर्मी लग रहा है। हम खाना नहीं खाए अभी तक, इतना शाम हो गया देख सकते बाहर में, बहुत ज़्यादा शाम हो गया, खाना नहीं खाया अभी तक। बोला कि खून अभी जस्ट रूम निकाला है, तो बोला आधा घंटा तक कुछ मत खाना पीना बोला, तो अभी आधा घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है। वैसे तो बैठे हुए हैं और अगल बगल में सबको बैठा है, देख लिए ना। और दीदी लोग आके चली गई, जब मेरा ब्लड चढ़ा था तो पूजा दीदी और प्रिया दीदी थी और तानिया थी मेरे पास, तो वो लोग तो चले गए घर, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अभी तो, रात के कितना 8 बज रहा है रात का, और हमको भूख लगा है, सोचे हम खाना खा लेंगे। तो हम एक बार पूछ लेंगे सिस्टर से कि हम खाना खा सकते हैं या नहीं अभी, तो वही जाएंगे अभी पूछने। तो चलो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आके मिलते हैं उधर से आपको। जस्ट अभी बैठे हैं यहाँ पे कि खाना खा सकते कि नहीं, तो खाना खा सकते हैं बोला, बैंडेज तो खोल दीजिए बोले, तो बोला कि बाद में खोल देंगे अभी नहीं, तो सोचे खाना खाएंगे, तो खाना इधर निकाले हैं, कैसे हम खाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस हाथ से हमको खाना खाने आता है, लेफ्ट हाथ से नहीं खाने आता, तो वही चम्मच भी नहीं है और कैसे खाएंगे कन्फ्यूज़ हो गया, खाने में क्या दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, पेट मतलब दर्द दे रहा है हल्का हल्का सा, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा। खाना खाएंगे बोले, बैंडेज खुलवाने जा रहे थे, दर्द दे रहा था, एक साइड में खड़े हो गए, पूरे पसीने पसीने हो गए हम, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा भी एकदम भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। आप सब देखिए ना मेरा कैसे हो गया। हाथ का बैंडेज खुल चुका है और सुबह से अभी रात हो गई 10-11 बज चुका है और अभी हम खाना खाएंगे और दर्द से इधर उधर टहलना पड़ रहा है, मेरे को दर्द दे रहा है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा। हम कॉल किए दीदी लोगों को तो दीदी लोग बोले कि आज मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे जुलूस निकला हुआ है, जो पर्व होता है आप लोग तो जानते हो, मतलब मेडियन लोगों का जो पर्व होता है उसका जुलूस निकला है, तो गाड़ी वगैरह सब बंद है तो कैसे आएगा यही समझ में नहीं आ रहा। और दर्द से तो मेरा हालत ख़राब हो गया, एक तो ब्लड चढ़ाया था आज और उसके बाद तबीयत ख़राब हो रही है। अभी क्या करेंगे, कोई है भी नहीं मेरे साथ में अभी यहाँ पास में, तो कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग के काम नहीं कर रहा है। तो खाना खा लेते हैं चलो चल के, और क्या है खाने में आप लोगों को भी दिखा देते हैं आज का। तो ये रहा हमारा खाने का, देख सकते हैं जितना सब्जी था मतलब सब ख़राब हो गया है, सिर्फ चावल बचा है मेरे पास। ये रहा डब्बा में थोड़ा सा, और साइड में रखा है 2 बिस्किट जो दीदी से लाने बोले थे हम दीदी को, और तो पूजा दीदी जो ला दी थी वो मिठाई हम खाए नहीं थे, और एक गिलास पानी है, और इतना ही कुछ खा के पानी पी के सोना है मुझे। और सब कोई अगल बगल सो चुका है देख सकते हैं, हम एक लाया जागे हुए लेट से अभी सोएंगे। बहुत ज़ोर से लगा है तो फिर हम खाएंगे बोले पर ना खा नहीं पाए, इसीलिए कि मेरे को ब्लड चढ़ रहा था तो हम सिर्फ नाश्ता किए थे और नाश्ता में ही फिर ब्लड चढ़ा दिया, हमको पता ही नहीं था कि अभी तुरंत चढ़ाएगा बोल के, और फिर ब्लड चढ़ाया तो उसके बाद आधा घंटा खाने मतलब मना किया और पूरा 3-4 घंटा खून चढ़ा, और उसके बाद में अभी हटा दिए, खा नहीं सक रहे थे ऐसे करके मतलब, इसलिए हम थोड़ा बोला कि थोड़ी देर के बाद आना तो आ गए, आधा एक घंटे के बाद गए और खुलवा लिए, तो उसके बाद जैसे खाना निकाले देखे तो सब्ज़ी ख़राब हो चुका था, दाल भी ख़राब हो गया, जो दीदी पनीर की सब्ज़ी भेजी थी वो ख़राब हो गई, तो अभी सिर्फ मेरे पास बचा है चावल वावल जो बचा आप लोगों को दिखाया वही खाएँगे, उसी को खा के अभी सोएंगे, और क्या कर सकते हैं, दवा भी तो खाना है ना, दवा नहीं खाएँगे तो कैसे चलेगा, इसलिए दवाई खाना है तो थोड़ा बहुत जो भी है उसको खा के दवाई खा लेते हैं, और हम जल्दी से खा लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 11:30 हो चुका है। खाना पीना खा के बर्तन धो के रख दिए हैं और अभी सोएंगे, अपने बिछा लिए चादर और तकिया कर लिए, हाथ में से अभी थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है पता नहीं क्यों, ऐसे ब्लड निकल रहा है पता नहीं क्यों। और हाँ फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं सोने, और पसीना पंखा चलो और इतना पसीना है पूछिए मत, मतलब गर्मी इतना लग रहा है मेरे को पता नहीं क्यों। तो चलो आपको मिलते हैं हम सवेरे, अभी के लिए गुड नाइट और बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तो